अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया बेसन और 200 ग्राम दही, 4 बड़े प्याज मैंने काट लिया है। यहाँ पे लिया है राई आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, कड़ी पत्ता थोड़ा सा और 2 अक्की लाल मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और आप नमक अपने स्वाद। तो सबसे पहले हम पकौड़े तल लेते हैं। तो पकौड़े तलने के लिए हमने यहाँ पर बेसन आधा इसमें ले लेंगे, आधे से ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ा बेसन बच जाना है कढ़ी के लिए। और इसमें डालेंगे प्याज, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं तेज़ बनाने के लिए, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे तेज़ नहीं बनाना है। तो ये सब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे, एक चुटकी से, और थोड़ी सी हींग, और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई लिया है हमने, कढ़ाई में वो जो बचा हुआ बेसन था वो डाल दिया है, उसको थोड़ा सा भून लिया है मैंने। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है। इसको भूनने से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सौंधा सौंधा होता है, इसलिए मैंने बेसन को हल्का सा भून लिया। बेसन का घोल रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। कढ़ी बहुत तरह से बनती है, सबका बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है, मगर आप एक बार मेरे स्टाइल से बनाइए। अब इसमें और पानी डालना है कि नहीं ये बाद में देखेंगे। अगर ये गाढ़ा होगा तो इसमें और पानी डालना पड़ेगा। अभी हमने दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। ये देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, पूरी तरह से ये मिक्स हो गया है। जिसमें हमने पकौड़े तले थे वो कढ़ाई लिया है और गैस चालू कर दिया है, उसमें से तेल निकाल दिया है, थोड़ा सा तेल बचाया है, और उसमें हम डालेंगे राई। जीरा, कड़ी पत्ता, अक्की लाल 2 मिर्ची, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मगर इससे सौंधापन आता है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, डालेंगे हल्दी, गैस स्लो करेंगे,
हमने जो घोल बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। फिर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मुझे थोड़ा पानी और ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा मिर्ची का पाउडर। और इसको चलाते रहना है। रुकेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे इसलिए हमको उबाल आने तक इसको चलाते रहना है। गैस को हमने मीडियम करता है और अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। पतला या गाढ़ा ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने मीडियम रखा है, ना एकदम पतला ना एकदम गाढ़ा। थोड़ा देर इसको पकने देंगे। इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया। ये पूरी तरह से पक गया है। गैस हम बंद कर देंगे और इसको दो मिनट। तो हमारी मज़ेदार टेस्टी कढ़ी बन के रेडी है। अब हम खा के बताते हैं कैसी बनी। मीडियम बनाया मैंने, एकदम पतला नहीं है एकदम गाढ़ा नहीं। तो एक बार इस तरह से आप ये कढ़ी ज़रूर बनाएं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।